हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हेलो 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 दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तनाव यानी कि स्ट्रेस के बारे में, कि कैसे स्ट्रेस या तनाव का बुरा असर आपकी खूबसूरती और आपके सुंदर चेहरे पर पड़ता है। स्ट्रेस की वजह से आपके फेस को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे हम अपने स्ट्रेस को हैंडल करें ताकि उसका असर हमारी खूबसूरती पर ना पड़े और हमारा फेस हमेशा यंग तथा ब्यूटीफुल बना रहे। दोस्तों, हर व्यक्ति समय समय पर स्ट्रेस को फील करता है, पर जब ये भयानक रूप ले लेती है तो इसका असर सीधा सेहत पर पड़ता है, जिससे डिप्रेशन, इम्यून सिस्टम पर बुरा असर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो दिल की धड़कन कभी बहुत तेज हो जाती है तो कभी कभी बहुत धीमी, जो दिल और पूरे बॉडी सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। और दोस्तों, स्ट्रेस इतनी बुरी चीज है जो आपके सुंदर चेहरे पर अपना असर छोड़ जाती है कुछ इस तरह। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। क्रोनिक स्ट्रेस आपके चेहरे पर दो तरह से दिखाई दे सकता है। सबसे पहले हॉर्मोन्स, जो आपकी बॉडी रिलीज करती है जब आप तनाव में होते हैं, जिसका नेगेटिव प्रभाव आपकी स्किन पर पड़ता है। और दूसरा, स्ट्रेस को फील करना आप में बैड हैबिट्स को जन्म देता है और वो किसी तरह की भी हो सकती हैं। आइए बात करते हैं उन सिम्टम्स के बारे में जिनका असर स्ट्रेस के कारण आपकी खूबसूरती पर पड़ता है। नंबर वन, आंखों के नीचे सूजन हो जाना। दोस्तों, आपकी पलकों के नीचे सूजन या पफिनेस उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत कॉमन हो जाती है और आंखों के आसपास सपोर्टिंग मसल्स कमजोर हो जाते हैं और इस इलास्टिसिटी की कमी के कारण हमारी स्किन सैगिंग स्किन हो जाती है। रिसर्च में पाया गया कि तनाव बढ़ने से नींद की कमी के कारण फाइन लाइंस, स्किन में इलास्टिसिटी की कमी और पिगमेंटेशन समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जिसका असर आपके चेहरे और खूबसूरती पर पड़ता है। नंबर टू, एक्ने, जिसे हम मुहासे भी कहते हैं। दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि मुहासे होना, वो भी स्ट्रेस के कारण, पर कैसे? चलिए इसे अभी एक्सप्लेन करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। A few moments later. दोस्तों, जब हम तनाव महसूस करते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल हार्मोन को ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है। हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस इस कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। यह CRH हमारे हेयर फोलिकल्स के चारों ओर सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। पर जब इन ग्लैंड के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो ये स्किन के पोर्स को बंद करने लगता है, जो एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। 2011 की साउथ कोरियन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में 1236 लोगों में मुहासे बढ़ाने वाले फैक्टर्स के ऊपर जांच की और पाया कि तनाव, नींद की कमी, शराब का बहुत अधिक सेवन और मेंस्ट्रुएशन मुहासों को और भी बदतर बना सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं एक्ने ना हो तो स्ट्रेस से दूर रहें। नंबर तीन, ड्राई स्किन, जिसे हम रूखी त्वचा भी कह सकते हैं। दोस्तों, स्ट्राटम कॉर्नियम हमारी त्वचा की बाहरी परत होती है। इसमें प्रोटीन और लिपिड होते हैं, जो आपकी त्वचा की कोशिकाओं को हाइड्रेटेड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, पर जब स्ट्राटम कॉर्नियम नहीं कर पाता जैसा उसे करना चाहिए तो हमारी स्किन रूखी और इची हो जाती है। 2014 के ट्रस्टेड सोर्स के अनुसार स्ट्रेस यानी कि तनाव आपके स्ट्राटम कॉर्नियम में बाधा उत्पन्न करता है और स्किन वाटर रिटेंशन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। नंबर चार, रैशेस, तनाव में रहना हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और एक कमजोर इम्यून सिस्टम हमारी आंतों में बैक्टीरिया को असंतुलित और स्किन, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं, को जन्म दे सकता है। और जब ये असंतुलन आपकी त्वचा पर होता है तो ये रेडनेस या रैशेस का कारण बन सकता है। इसलिए स्ट्रेस में रहना आपके लिए ठीक नहीं, और आप भी बाबू भैया टेंशन कम लिया करो। सच बात बोलता तू। नंबर पाँच, रिंकल्स,
जिसे झुर्रियां भी कहते हैं। स्ट्रेस आपकी त्वचा में प्रोटीन के चेंजेस का कारण बन सकता है और इसकी इलास्टिसिटी को भी कम कर सकता है और इस इलास्टिसिटी की कमी के कारण रिंकल जैसी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तनाव से आपकी बौ में बार बार फुंसियां हो सकती हैं, जो झुर्रियों के निर्माण में योगदान दे सकती हैं। नंबर 6, बालों का झड़ना। हाँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान कहता है कि तनाव आपके बालों को ग्रे कर सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मेलानोसाइट्स कोशिकाएं मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती हैं, जो आपके बालों को अपना कलर देता है। तनाव का असर आपके हेयर ग्रोइंग साइकिल पर भी पड़ता है और एलोजन एफ्लूबियम कंडीशन को जन्म दे सकता है, जिससे ज्यादा मात्रा में बाल झड़ते हैं। स्ट्रेस के और भी कई सिम्टम्स आपके चेहरे पर देखने को मिल सकते हैं, जैसे दांतों को नुकसान, फेस फ्लशिंग और सो लिप्स। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। बाबू भैया, आपके पास स्ट्रेस को दूर करने की क्या कोई तरकीब है? नहीं है। क्यों? तो आप एक लफ्ज भी मत बोलो। एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? दोस्तों, ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी में तनाव को पैदा करते हैं। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप कई सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे आप अपने शेड्यूल से कुछ समय जरूर निकालें जिसमें आप ऐसी एक्टिविटी कर सकें जो आपको रिलैक्स करे। आप गाने सुनना या योगा जैसी चीजें कर सकते हो। दोस्तों, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप अपनी गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स को कभी ना छोड़ें, अच्छी आदतें बनाएं और उन्हें हमेशा मेंटेन रखें। दोस्तों, स्ट्रेस को दूर करने के लिए हेल्दी डाइट और अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। हमेशा एक्टिव रहें। दोस्तों, एक्सरसाइज करना आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में बहुत मदद करता है, इसलिए किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज जरूर करें। और आपको ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से हमारी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और हम फ्रेश महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस को फील कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ समय जरूर बताएं, अपने दोस्तों से बातें करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लोगों के साथ बातें करने से तनाव से निकलने में काफी मदद मिलती है। मेडिसिन और शराब से बचें, क्योंकि दवाओं और अल्कोहल का लगातार इस्तेमाल आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इससे दूर ही रहना अच्छा है। और सबसे अहम बात दोस्तों, हमेशा खुश रहें। खुश रहने से हमारा तनाव बहुत तेजी से और बहुत जल्दी दूर हो जाता है, जो आपकी कई बड़ी और स्किन से रिलेटेड परेशानियों को आसानी से दूर कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका ये दोस्त हेल्दी इंडियन सेहत से जुड़ी बेस्ट वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाता रहे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ना? शाबाश शाबाश, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में। नमस्कार।